नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। स्टेट बैंक की स्कीम है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है। जनरली हम पैसा कहाँ पे लगाते हैं, एफडी वगैरह में पैसा रखते हैं, लेकिन उसमें इतना सुटेबल रिटर्न नहीं मिलता है। एफडी से 3 से 4 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो ए स्कीम के अंदर। और साथियों, स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है और बहुत सारे लोगों के इसके अंदर अकाउंट है, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रस्ट भी कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आप हर महीने खाली 1500 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो कैसे उसका 47 लाख रुपया बन जाता है, यानी कि 50 लाख अप्रोक्स कैसे बनता है, आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारो, और वीडियो को तो लाइक कर दो यारो दोस्तों, या लाइक कर दो। सबसे पहले हम देखते हैं ए स्कीम का नाम क्या है। साथियों, ए स्कीम का नाम है SBI मैग्नम मिड कैप फंड, या दोस्तों यानी कि एक म्यूचुअल फंड है। साथियों, म्यूचुअल फंड मतलब रिक्स क्यों, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा जाता है शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट अप डाउन होता रहता है, यानी कि रिक्स लेने की कैपेसिटी है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करो, वरना नहीं करो। आप 20-25 हज़ार कमाते हो तो 1000-1500 डाल सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अभी साथियों, आगे बात करें तो ए फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। ए फंड ने लास्ट 1 ईयर यानी कि 1 साल में रिटर्न दिया है 16.56, यानी कि 16.5% तक इसने रिटर्न निकाल के दिया है। अभी साथियों, आगे बात करते हैं तो 3 साल यानी कि लास्ट 3 ईयर में इसने कितना रिटर्न निकाल के दिया है। लास्ट 3 साल में एवरेज इसने 36.42, इतना सारा रिटर्न निकाल के दिया है ए फंड ने, आप देख सकते हो। और बात करें तो 5 साल की यानी कि लास्ट 5 ईयर में इसने रिटर्न निकाल के दिया है 20.15, काफ़ी अच्छा रिटर्न ये भी है। और ऑल टाइम यानी कि जब से फंड आया है तब से फंड ने रिटर्न निकाल के दिया है 20.07, यानी कि एवरेज 20% रिटर्न है इसका, इसलिए काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस स्कीम के अंदर। अभी दोस्तों, आगे बात करें तो इसके अंदर पैसा कैसे लगाना है। इसके अंदर आप SIP भी कर सकते हो, मिनिमम 500 रुपये से 1000 रुपये, 2000, 5000, 10000, हर महीने जितना आपको करना है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हो। और लमसम भी डाल सकते हो, एक साथ आपको डाल देना है भाई 5000, 50000 या लाख, 5 लाख डाल के भूल जाओ, तो ऐसे भी आप इसके अंदर लमसम डाल सकते हो। अभी साथियों, बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, म्यूचुअल फंड आपके पास पैसा ले लेता है लेकिन मुफ्त में थोड़ी हैंडल करेगा आपका पैसा, आपके पास चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो है 0.90 यानी कि 1% से भी कम, यानी कि काफ़ी अच्छा एक्सपेंस रेशियो है, आपको ज़्यादा लोड पड़ने वाला नहीं है। और एग्जिट लोड यानी कि बीच में 3-4 साल चलाया फिर आपको पैसे की ज़रूरत है, बोलोगे भाई मुझे रिटर्न दो, ये कैंसिल करो पॉलिसी, पैसा दे दो, तो ये आराम से हो जाएगा, 1% खाली पेनल्टी लगेगा। अभी साथियों, बात करते हैं, आपने तो पैसा दे दिया लेकिन ये पैसा लगाती कहाँ है ये कंपनी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप होल्डिंग, इसमें क्रिसिल लिमिटेड में इसमें 4.5% लगाया है इसके अंदर। फिर आप देखें इंडिया लिमिटेड में 4% है, फिर थेरमैक्स लिमिटेड में 3.5% है, फिर कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड में 2.25% है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 3.5% है, फिर पेज इंडस्ट्री में 3% है, तो इंडियन होटल कंपनी में 2.75% है, सुंदरम फाइनेंस में इसने 2.3% जितना इन्वेस्टमेंट किया है, फिर कोरामंडम यूनिवर्सल लिमिटेड में भी 2.3% है, टोरन पावर में भी 2.3% है, यानी कि छोटी छोटी कंपनी है, रिस्क ज़्यादा रहता है, जितनी कंपनी छोटी उतना रिस्क ज़्यादा, यानी कि आप देख सकते हो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यहाँ पे पैसा लगा रहा है, बहुत सारी अच्छी भी कंपनी है। और यहाँ पे हम देखें कि आपका पैसा आप कितना लगाओगे तो कितना बनेगा, यानी कि कितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं, हर महीने 1500 आप लगाओगे 10 साल तक तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,80,000, और उसके सामने आपको मिलने वाला है 5,74,000। जो 5 लाख में क्या भाई, 10 साल बाद 5 लाख की क्या वैल्यू भाई, रुको, हम अगर ये इन्वेस्टमेंट 1500 रुपये का 15 साल तक करेंगे तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 2,70,000, और उसके सामने आपको मिलने वाला है 70,01,000, यानी कि 17 लाख रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिर हम 1500 रुपये 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000, और उसके सामने टोटल हमको मिलने वाला है 47,42,000, यानी कि 47 लाख तक आपको आराम से मिल जाएगा। अभी 1500 रुपये हम 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 4,50,000, और उसके सामने आपको रिटर्न मिलने वाला है 1,29,00,000 रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है, आप करोड़पति बन सकते हो 25 साल के अंदर। अभी साथियों, बात करें तो 1500 रुपये हम 30 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,40,000, और उसके सामने मिलेगा 3,50,00,000 रुपया,
यानी कि दोस्तों काफ़ी अच्छी स्कीम है, आज ही स्टेट बैंक विजिट कीजिए या फिर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जय हिंद जय भारत।